दोस्तों, कई बार भारत की नाकामियों से एक ये बात भी गिनवाई जाती है कि आजादी के बाद हमने चंडीगढ़ के अलावा कोई बड़ा शहर डेवलप नहीं किया। लेकिन अब यही चीज बदलती हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार ने कुछ साल पहले टोलेरा नाम के एक शहर के ऊपर काम करना शुरू किया था, जो आने वाले वक्त में शंघाई को टक्कर दे सकता है। इस प्रोजेक्ट को खुद प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या है, इस पर कितना काम हो चुका है और ये शहर कैसे ऑपरेट करेगा, आज यही सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले। ढोलेरा स्मार्ट सिटी को अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, जो अहमदाबाद शहर से कुछ दूरी पर होगा। इस शहर के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये शंघाई को टक्कर देने के लिए बनाई जाएगी। पर शंघाई ही क्यों? शंघाई मॉडल इसलिए चुना गया है क्योंकि शंघाई एक वक्त पर बस एक गरीब टाउन हुआ करता था, जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। लेकिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के कारण न सिर्फ यह चीन के 25% सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करता है, बल्कि साथ ही साथ यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बिजिएस्ट सी पोर्ट और तीसरा सबसे बिजिएस्ट कार्गो एयरपोर्ट भी है। आज अकेले शंघाई की GDP ही $680 बिलियन से ज्यादा की है और यहाँ पर चीन के सबसे अमीर लोग रहते हैं। अब चलते हैं ढोलेरा की तरफ। ढोलेरा को 3 स्टेप्स में डेवलप किया जाएगा। पहला गोल तो इसे एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। इसके लिए बहुत सी पॉलिसीज लगाई जाएंगी। इस शहर में बिजनेसेस सेटअप करने के लिए बहुत सी प्रोसेसेस को स्मूथ बना दिया गया है। यहाँ पर लंबे लंबे पेपर वर्क की जरूरत नहीं होगी। एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन टावर बनाया जाएगा जो बिजनेसेस को हेल्प करेगा और साथ ही यहाँ पर एस्टेब्लिश होने वाले सभी बिजनेसेस की स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी उन्हें 100% रिफंड दी जाएगी। इस तरह के ऑफर से ये शहर बिजनेसेस को उसी तरह अट्रैक्ट करेगा जैसे कभी दुबई ने किया था। टाटा और एयरबस ने मिलकर इस शहर में 22,000 करोड़ की लैंड भी खरीद ली है और ये मिलकर यहाँ पर डिफेंस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ढोलेरा को जो चीज सबसे यूनिक बनाती है वो है उसका प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट। ज्यादातर कंपनीज को बिजनेस सेटअप करने के लिए पहले जमीन खरीदनी पड़ती है, फिर वहाँ पर फैक्ट्री बनाई जाती है, रॉ मटेरियल्स लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, फिर कई सालों में जब ये सब कंप्लीट हो जाता है तब जाकर वहाँ पर काम शुरू होता है। लेकिन ढोलेरा के प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पहले से इस तरह की फैक्ट्रीज और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप्ड होगा। अब बस कंपनीज को यहाँ पर आना है और जमीन खरीदनी है और बाकी सब उन्हें रेडीमेड ही मिल जाएगा। इस वजह से यहाँ पर वो जल्दी काम शुरू कर पाएंगे। इन्हीं सब कारणों से पिछले कुछ महीनों में ढोलेरा की लैंड के प्राइसेस 40% तक बढ़ गए और इस स्मार्ट सिटी में US, UK, जापान और कनाडा जैसे देश भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। प्लान ये भी किया गया है कि शहर को 100% सोलर पावर से चलाया जाएगा और इसलिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है जो 5,000 MWH की कैपेसिटी पर ऑपरेट करेगी। अभी जो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है उसकी कैपेसिटी से आधी है। तो ये था स्टेप 1। आगे अब इस शहर के ऑपरेशंस पर भी बात की जाएगी। इस शहर को एक फ्री वाईफाई जोन में बदल दिया जाएगा और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक को भी बहुत ही हाई टेक तरीके से अप्रोच किया जाएगा। इसे दुबई के न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर बनाया जाएगा जहां शहर भर में 15,000 से ज्यादा CCTV कैमरास, सेंसर्स और मेजरमेंट डिवाइसेस हमेशा ही अलर्ट रहेंगे और किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स या फिर इमरजेंसी होने पर ऑटोमेटिकली इमरजेंसी सर्विस अलर्ट हो जाएगी और मौके पर पहुंच जाएगी। CCTV कैमरास से इस सिटी में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का प्लान है। जिस तरह चीन की स्काईनेट टेक्नोलॉजी फेस डिटेक्शन से लोगों को आइडेंटिफाई कर लेती है और क्रिमिनल्स को शहर में खुला घूमने से रोकती है, वैसी ही टेक्नोलॉजी इस शहर में भी इम्प्लीमेंट की जाएगी ताकि यहाँ रहने वाले लोग हमेशा सेफ महसूस कर सकें। अगर आप यहाँ पर गवर्नेंस की बात करें तो उसे पूरी तरह डिजिटल कर दिया जाएगा, यानी कि अब आपको इस शहर में किसी भी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ई गवर्नमेंट एप्स की मदद से ही घर बैठे बैठे अपनी हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन पा सकते हैं। तीसरा स्टेप है शहर को लोगों के लिए और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने का। प्लान ये है कि शहर को जब मैन्युफैक्चरिंग हब में बदला जाएगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयज की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहने लगेगी, जिसके लिए उन्हें हाई स्पीड मेट्रोज की जरूरत होगी। यहाँ पर 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन डेवलप करने का प्लान है जो कि दिल्ली मेट्रो से भी ज्यादा बड़ी होगी। इसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी डेवलप किए जाएंगे ताकि दुनिया भर से यहाँ पर लोग बिजनेस और टूरिज्म के लिए आ सके। लेकिन इस शहर को बोरिंग बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा। जो लोग यहाँ पर रहेंगे उनके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।
जिस वजह से यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब से लेकर गोल्फ या क्रिकेट खेलने के लिए मैदान बनाए जाएंगे और नाइट क्लब्स का भी इंतजाम किया जाएगा। कई फाइव स्टार होटल्स के साथ ये टूरिस्ट के लिए भी एक बड़ा अट्रैक्शन होगा। और हो सकता है कि फाइनली मोदी जी गुजरात में शराब पर बैन भी हटा दे। खैर वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस शहर के बारे में और भी काफी चीजें खास हैं। इस शहर को जीरो वेस्ट के कॉन्सेप्ट पर बनाया जा रहा है, यानी यहाँ का सारा वेस्ट रिसाइकल किया जाएगा और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन सिटी बने। इसके अलावा गैस पाइपलाइन से लेकर वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी केबल्स वगैरह सब यहाँ पर अंडरग्राउंड होंगी। इस एडवांस सिटी में ये भी इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पर कोई भी पावर कट्स ना हो और लोगों के इधर उधर जाने के लिए भी शटल बसेस और मेट्रो का एक बहुत बड़ा और इफेक्टिव नेटवर्क खड़ा किया जा सके। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट है और हमने इसे बनाने के लिए सभी देशों से कुछ ना कुछ सीखा है। जहां हमने शंघाई से उनका बिजनेस मॉडल लिया है, तो दुबई से उनका एफिशिएंट रोड नेटवर्क और साउथ कोरिया की सैमसंग सिटी की तर्ज पर इसे एक एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर ड्राइवन सिटी के रूप में शक्ल देने की कोशिश की गई है। अब ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, अब आते हैं काम की बात पर। अब आप पूछेंगे कि भैया इस शहर में कितना काम हो गया है और कितना बाकी है। आपको बता दें कि इस शहर को तीन चरणों में डेवलप किया जाना था और सब कुछ सही रहता तो इसका पहला चरण 2022 में पूरा हो जाता, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस प्रोजेक्ट को भी कई सारी परेशानियों और डिलेस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ काम नहीं हुआ है। अभी तक इस शहर के 22.5 किलोमीटर के हिस्से को डेवलप कर लिया गया है। इसका एयरपोर्ट भी लगभग कुछ वक्त में बनकर तैयार हो जाएगा और ढोलेरा को अहमदाबाद से जोड़ने वाला हाईवे भी 30-35% तक बन गया है। लेकिन जैसे जैसे ये शहर अपना बेसिक आकार लेना शुरू करेगा, यहाँ पर लोग भी रहना शुरू कर देंगे और कंपनीज भी आने लगेंगी और शहर का डेवलपमेंट भी साथ ही साथ होता रहेगा, तो काम तो हो रहा है। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो इस तरह के शहरों को पूरी तरह डेवलप होने में कम से कम 30 साल तो लग ही जाते हैं। वैसे तो अभी से लोगों ने यहाँ पर लैंड लेना शुरू कर दिया है ताकि जल्दी इन्वेस्ट करके वो बाद में प्रॉफिट कमा सके, लेकिन धीरे धीरे कंपनी सेटअप होने के बाद तो जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसे भारत के मुंबई या बेंगलोर शहर की तरह बिजी और 24 घंटे चलने वाली सिटी के रूप में भी देखा जा रहा है, जो न सिर्फ गुजरात बल्कि भारत को भी कई गुना आगे ले जाएगा। 11 लाख लोगों के लिए बनाए जाने वाला ये शहर एक बड़े दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसमें सरकार अब तक 20,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। आगे ये उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह की और सिटीज यहाँ पर डेवलप की जाएंगी, जहाँ फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी डेवलप किए जाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का फायदा ये रहता है कि ये खास तौर पर बिजनेसेस को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और कंपनीज भी फिर इन्हें प्रेफर करती है। यही वजह है कि शंघाई और दुबई जैसे शहरों में आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज आना पसंद करती हैं, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ ऑफिस सेटअप करना आसान है बल्कि वहाँ की सरकार भी इन कंपनीज को वो सारी सुविधाएं देती है जो उन्हें दुनिया के बाकी शहरों में नहीं मिल सकती। इस तरह के प्रोजेक्ट से न सिर्फ भारत में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा बल्कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर भी मजबूत होगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से चीन धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो भारत ढोलेरा जैसे शहरों की बदौलत उसे पछाड़ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।